जी Assalamualaikum. I believe we don't have anyone to take questions in English. My साथ मौजूद है पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ और सवालात का सिलसिला स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है यूसुफ भाई से कि यूसुफ भाई जो मैच में सिचुएशन है जो चौथे दिन के खेल के खत्म पे उसके बारे में कुछ कमेंट करें और पांचवें दिन पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होगी. थैंक यू. अगर देखा जाए तो दिन खत्म हुआ है उसमें अभी तक तो हम बहुत जबरदस्त खेले हैं और उम्मीद करते हैं कि कल भी जो हमारे तीन सेशन है उसमें हम इसी तरह बैटिंग करें और इंशाल्लाह इस मैच को जीतने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई. जी अब सवाल का सिलसिला स्टार्ट करते हैं. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि या तो चैट में मेंशन कर दें आपको सवाल करना है या अपना हैंड रेज करें. पहले दो सवाल राना साजिद और फिर फरीद खान. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, राणा साजिद. सबसे पहले तो ये पांचवें दिन में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम रन चेज की तरफ जाएंगे या फिर कोई ड्रा का ऑप्शन है क्योंकि 278 रन हमने चेज करने कल के लिए. थैंक यू. देखिए इंशाल्लाह कोशिश तो ये हम जीतने जाए मैच और जैसे ये टेस्ट क्रिकेट है सेशन बाय सेशन इसको खेलना होता है. मैंने पहले ही कहा कि कल तीन सेशन है, कोशिश करेंगे इसी तरह अच्छे सेशन खेलें और हम अपनी पोजीशन जो मुस्तकिम करते जाएं और इसको इंशाल्लाह मैच को एंड ऑफ द डे जीतें. कोशिश हमारी यही है, बाकी अल्लाह के हाथ में इंशाल्लाह. फरीद सवाल करें. जी सलाम अलैकुम यूसुफ भाई. यूसुफ भाई 14 दिन की टेस्ट क्रिकेट हुई है अभी और सारे रिजल्ट्स पॉसिबल हैं. ओवरऑल इस टेस्ट सीरीज को कैसे देखते हैं आपकी एज अपॉइंटमेंट जो बैटिंग कोच हुई है, आप जो बैटर्स हैं पाकिस्तान के उनको कैसे देखते हैं, अब तक उन्होंने कैसा अप्लाई किया है? पहले तो देखें अगर ओवरऑल देखा जाए तीन टेस्ट मैचों में तो बैट्समैनों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. एक स्पेल जो कराची में हुआ था, एक जो कल हुआ है, इन दो स्पेल्स के अलावा अगर आप देखें तो बैट्समैनों ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है और इस टाइम जो टेस्ट मैच की सिचुएशन है बहुत जबरदस्त है, बड़ी इंटरेस्टिंग है. दोनों टीमें जो है वो सख्त मुकाबला करेंगी कल इंशाल्लाह. हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस टेस्ट मैच को हम जीतें. ऑस्ट्रेलिया ने कोई बोल्ड फैसला नहीं किया, टारगेट अचीवेबल है और पाकिस्तान की होप ज्यादा है, तो आपके ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा एतमाद कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस का मजारा तो नहीं किया? अब ये बात आपकी ठीक है कि उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया और ब्रेव डिसीजन लिया है अच्छा क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए, और इंशाल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए क्योंकि आजकल जो क्रिकेट हो रही है उसमें ज्यादातर मैचों के फैसले हो रहे हैं और उन्होंने भी एक स्टेप लिया है, बड़ा ब्रेव स्टेप है और इंशाल्लाह अगर आपने देखा होगा ये सेशन हुआ है इसमें जिस तरह दिलेरी से हमारे लड़के खेले हैं, बाहर निकल के भी खेले हैं, जैसे उनको बेहतर लगा है, जो उनकी स्ट्रेंथ थी उसके मुताबिक वो क्रिकेट खेले हैं. अभी तक जो हम क्रिकेट खेले हैं नजर आ रहा है कि हम जीतने के लिए इंशाल्लाह खेल रहे हैं. मेरी रिक्वेस्ट है सब अपने माइक्स म्यूट कर लें प्लीज, हमें थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है पीछे, काइंडली माइक्स म्यूट कर लें. उमर सवाल करें अपना. ओके थैंक यू इमाद. यूसुफ भाई आपको लगता है काफी कंट्रोल था ऑस्ट्रेलिया का सुबह तक और जो उन्होंने डिक्लेरेशन किया उसने कहीं आपको सरप्राइज किया, कहीं ना कहीं आपके ड्रेसिंग रूम को कि ये उन्होंने जल्दी कर दिया? आप देखिए ब्रेव डिसीजन तो है इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम मेरी अपनी राय है कि जो मैं समझता कि 4-5-6 ओवर शायद और खेलते लेकिन वो उन्होंने उससे पहले ही कर दिए. मैं समझता 380 तक वो जाएंगे लेकिन उन्होंने 350 में डिक्लेयर किया है, तो ये ब्रेव डिसीजन है. और लेकिन अगर देखा जाए तो पांचवा दिन है उसको भी अगर सामने रखें तो टफ क्रिकेट होगी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने पहले भी 2-3 मरतबा ये कह चुका हूँ और अब फिर कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे. बिलाल अकील और शहबाज अली. जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई. कल रो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजहर अली ने कहा था कि जब रिवर्स स्विंग हो रही होती है तो नया जो प्लेयर आता है उसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जिस तरह आपने भी अभी बात की कि गुज़िश्ता जो स्पेल था गुज़िश्ता रोज का वो काफी अच्छा था ऑस्ट्रेलिया का, तो कल के हवाले से और ये जो रिवर्स स्विंग है इस पर काबू पाने के लिए जो बैट्समैन है उनको क्या आपकी तरफ से जो है वो नसीहत की गई है या कोई प्लानिंग की गई? देखिए ये सिंपल
क्रिकेट को जितना सिंपल रखें, बैटिंग को जितना सिंपल रखें। मैंने कराची में ये बात की थी कि मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं कहूँ तो ये करो वो करो, लेकिन इसमें जो हमने अपने सीनियर्स प्लेयर से और जो मैंने भी 12 साल क्रिकेट खेली है उसमें जो अपने साथ सीनियर प्लेयर थे सईद भाई इंसमान भाई जैसे जो खेलते थे और जो हमारे उस वक्त बॉलर्स थे बड़े बॉलर वसीम वकार शुएब ये सारे जो थे रिवर्स स्विंग जब करते थे तो उस वक्त भी ये कहते थे कि जो अंदर खेलेगा और छोटी टांग से खेलेगा वो सर्वाइव कर सकता है। तो ये उस वक्त भी हमने बात की थी ये बेसिक्स है और जब अच्छा रोवर स्विंग हो रहा है और दोनों बड़े टॉप बॉलर हैं आपके कमेंस और स्टार्क इन दोनों ने आप देखें कि कल कितनी जबरदस्त रोवर स्विंग की थी कि 27 रन पे हमारे 7 विकेटें गिर गई। तो ये एक ऐसा टाइम आता है जिसमें हमने भी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी बैटिंग्स को आउट की है और कल इसी तरह हमारे साथ दूसरी बार ये हुआ है। लेकिन ये है कि लड़के अगर आप शुरू से देखें कि डोमिनेट कर रहे थे 170 पे एक आउट का, ऐसा सेशन लग जाता है ऐसा स्पेल लग जाता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये है कि बेसिक्स वही है जो उधर कराची में मैंने आपसे बात की है मीडिया पे अभी भी वही बात कर रहा हूँ कि जब रोवर स्विंग हो रहा हो अंदर के लिए खेलना है, एक स्विंग के लिए खेलना है, छोटी टांग के साथ खेलना है ताकि वो खुद ब खुद बॉल बैट की तरफ आए, ज्यादा बॉल की तरफ नहीं जाना। बेसिक्स तो यही है, बाकी देखें हर प्लेयर कोशिश करता है, कोच भी बताते हैं, ये सारी चीजें मिलके आप मिलजुल के एक टीम बनते हैं और एक अच्छा देख जैसे पिछला टेस्ट हमने बचाया, लड़कों ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 5.5 सेशन खेलना बहुत बड़ी बात थी, ये 90 साल के बाद दूसरी बार हुआ है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि इस मैच को, उस मैच में भी हमने कोशिश की थी कि उस मैच में जाए जीतने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बाबर आउट हुआ तो फिर हमने उसको ड्रॉ की तरफ गए, वरना उस टाइम हम कोशिश कर रहे थे कि इस मैच को जीतने की तरफ जाए ट्राई करें। तो इसमें भी हमारी कोशिश है कि हम ये मैच जीतने जाए। जी शहबाज सवाल करें। सवाल है यूसुफ भाई, अभी आपने बात की है रिवर्स स्विंग की, एक तो हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन तो बड़ी अच्छी रिवर्स स्विंग कर रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो कि रिवर्स स्विंग के माहिर हैं हमारी इतनी अच्छी रिवर्स स्विंग नहीं हुई। दूसरा आपने देखा होगा जो कि लेग स्पिनर है स्विप्सन, उसकी 3-4 गेंदों ने सरप्राइज किया आज भी, तो आपको लगता है कि कल वो कोई बड़ा थ्रेट बन सकता है हमारे लिए कि गेंद उसका ऑड बॉल अचानक ब्रेक होगा, बड़ा ब्रेक होगा ट्रफ से आके, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे और किसके ऊपर आपकी ज्यादा, इसके ऊपर बैट्समैन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होगी? देखिए ये दोनों बैट्समैन जो अभी तक क्रिकेट खेले बहुत जबरदस्त खेले हैं, पीछे से भी जो लड़के हैं अजहर अली ने रन्स किए हैं, बाबर ने रन्स किए हैं, ये चारों लड़के बहुत जबरदस्त खेले हैं। और अगर देखें 5वें नंबर पे फवाद आलम आता है उसके पास में देखें बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है और वो बड़ा स्टडी प्लेयर है, हमें उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है और पूरी उम्मीद है कि हमारे लड़के जो है वो कल काबू पाएंगे सब पे और इस मैच को आखिर तक जाएंगे इंशाल्लाह। लास्ट टू क्वेश्चंस अरसलान और फिर कादर फाजिल। यूसुफ भाई आप बतौर बैटिंग कोच जो है इस डगआउट में है तो फवाद के इस साथ क्या इशू आ रहा है, क्योंकि इस सीरीज में वो खासा आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, तो फोर्थ इनिंग में खासकर फवाद का परफॉर्म करना कितना जरूरी है टीम के लिए? देखिए हर प्लेयर का जरूरी होता है परफॉर्म करना और ये आप जो फवाद है बास का इंसान जो है वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है और ये पैच आता है तो मेरा ख्याल है कि अभी वो थोड़ा वो पैच है लेकिन वो अपनी मेहनत कर रहा है, जो उसका स्ट्रेंथ है उस पर वो अपनी मेहनत कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की वो मेहनत कर रहा है, जिस तरह की कोशिश करता है, जो उसकी अपना स्टाइल है उसमें ये निकल जाएगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। जी लास्ट क्वेश्चन कादर फौजी। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि पैट कमिंस ने काफी बोल्ड डिसीजन लिया है 350 रन पर जो है टारगेट देकर उसको डिक्लेयर कर देना इनिंग को, तो ये बोल्ड स्टेप अवे टीम आके फॉरेन टीम्स आके लेती हैं, हम होम सीरीज हम होम टीम होने के बावजूद डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं और डिक्लेयर करने के ड्रॉ करने की तरफ गए ना कि जीतने की तरफ, तो ये जीत हार के फैसले की वजह से अब बोल्ड डिसीजन क्यों नहीं लेते? देखिए अभी तक तो ऐसी सिचुएशन आई नहीं कि जहाँ जीत की तरफ जाया जाता, आप देखें पहले टेस्ट में था जिसमें 60-70 ओवर तो बारिश की नजर हो गए और 450 हमने रन किए, 570 हमने किए हैं, महज 500 रन उन्होंने भी किए, तो उसमें आप उनकी तो बारी नहीं आई, दूसरी तो जीतने वाली, तो पहले टेस्ट मैच में तो कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं और दूसरे टेस्ट मैच में अगर आप देखें आप 510 रन और 5.5 सेशन वो हमने खेले हैं, वो मेरा ख्याल है कि मॉरल हमारी विन थी और
एक टाइम पे हमने मशवरा भी कर लिया था कि हम जीतने की तरफ जाएंगे, लेकिन जब बाबर आउट हुआ तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि प्लान हमारा यही था कि बाबर और ये खेलेंगे तो आखिरी 10 ओवर में 80-90 भी चाहिए होंगे तो हम इसकी कोशिश करेंगे, जीतने की तरफ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम जीतने की तरफ नहीं जा रहे या सोच नहीं रहे या प्लानिंग नहीं कर रहे, ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन कोई ऐसा अभी तक ऐसा कोई मौका आया नहीं कि जहाँ ये लगे कि हाँ ये हम किल कर दें। थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई, नजीर रिकॉर्डिंग बंद कर दे।